अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद वसीम तुसारे पे मेरे यूट्यूब चैनल बखर द मुंडा वीडियो शुरू करने तो पहले सारे चैनल को सब्सक्राइब कर गिनो तो वाच शुरू करने पे आज की एक वीडियो। जिवें थको पता है कि मैं कल एक वीडियो बनाई है मंजूर हुसैन किल्लू साहब की वफात थे, तो मेरा एक टॉपिक आई जो मैं स्क्रिप्टेड की थी पियामा जो मैं मतलब कि उसकी वीडियो बनानी है, लेकिन मैं आके एक पहले सा अपने अदाकार की अपने एक लैजेंड अदाकार की उन्दे उत्ते वीडियो सारा हक बनता है। तो थोन में थोड़ा जि ना मंजूर किलो का तारुफ करावाना वाला, ठीक है ना। और मैं ना कोई बड़ा यूट्यूबर हाँ और ना ही मेरे को झूठे थंबनेल बनते हैं, ना ही मैं झूठे टाइटल लिखता और ना ही मैं झूठी वीडियोज़ बनाना। मेरी वीडियोज थोड़ी थोड़ी वीडियोज़ मिल सन, ठीक है ना। वो वीडियोज़ तुसा पूरी वाच करनी है, वो वीडियोज़ के बीच मंजूर किल्लू के शगिर्द तुसें जेड़े उसके बारे अपनी राय देने पे हसन तुसा वो वीडियोस देख सो। होना दे वीडियो दी तरफ, वीडियो ये है जो भाई मंजूर किल्लू कौन है, मंजूर हुसैन किल्लू कौन है। थोड़ा जहा तारुफ है, वीडियो थोड़ी लंबी थी वने तो माजरा। मंजूर हुसैन किल्लू वो है जै अपना नंबरदार को अपना शगिर्द बनाए और नंबरदार को इस मकाम ते पहुँचाए। मंजूर हुसैन किल्लू वो है जै एयरपोर्ट को अपना शगिर्द बनाए और एयरपोर्ट को वो मकाम तक पहुँचाए। मंजूर हुसैन किल्लू वो है जै तकरीबन जेड़ा मैं को एक जराए के थ्रू पता लगे, मैंने कन्फर्म नहीं 40 तो 50 शगिर्द एक्टिव मतलब जेड़ा इस टाइम काम करीने पे वो बनाए तो उन्होंने को उन्होंने मकाम तक पहुँचाए, उन्होंने को एक को मकाम मिले। तो मंजूर हुसैन किल्लू कोई आम बंदा नहीं, और ये जड़े वो खिलाफ थी है, ये जड़े मतलब कि उन्होंने जुदाई उन्होंने पई है, ये जिंदगी भर पूरी नहीं थी संगने। लख नंबरदार आ वन, लख एयरपोर्ट आ वन, लख चमकीला मून आ वन, लख राकेट आ वन, लेकिन जड़े मंजूर हुसैन किल्लू आई वो हिक आई, वो बै कौन आवने अल्फाज कौन। क्योंकि जिस टाइम मैंने पहले खबर का पता लगे मैं कि यार झूठ है, झूठ तो एक गाल में कोई याद आ गई गाल दसा वन। कुछ यूट्यूबर ने मैं थंबनेल टाइटल देता पाया, उन्होंने थंबनेल तो लिखा होता जी वेला मुंडा रो रो के बेहोश हो गया जी, एयरपोर्ट रो रो के बेहोश हो गया, नंबरदार धाड़े मार के मारता मारता रोता रहा। यार खुदा वास्ते अल्लाह नबी को मनी दे ना यार, एक बंदे तुसा जींदे उन्दे जींदे भी तुसा उससे झूठे थंबनेल बनाए, वो शोदा फौत थी गया, वो लेजेंड फौत थी गया, तुसा उसकी फौत की तो बाद झूठे थंबनेल बनाए देखने वो। यार तुसा मरना कौन ही, कितने व्यूज आ गए ने थारे, मैं कुछ ऐसा होता यार, मैं क्यों ना बनाया झूठे थंबनेल, मैं ही तो बना सकता, मेरे को तो वो सारी ऐप है, मेरे को तो वो जो मोबाइल है, मैं तो नहीं बनाया। कुछ खुदा का खौफ करेंदे कहने को यूट्यूबर उठी दे आते वेला मुंडे का एक्सीडेंट थी गया मर गए, कहने यूट्यूबर उठी दे वो आते मंजूर हुसैन किल्लू नाल ये थी गए। यार कोई तरीका कार होंगे है, कोई यूट्यूब की पुलिस होंगे, लेकिन तुसा लोग ना जड़े हो तुस आते हो भाई असा कोई भी थंबनेल बनाए कोई भी टाइटल बनाए तो उन्हें उत्ते असं जो भी लिखूँ चाहे चल वैसे, लेकिन यूट्यूब तो ये चीज़ा नहीं चलदियाँ। थोड़े एक दो थंबनेल चल गए ना तो थोड़ा मकसद नहीं कि थोड़ी वीडियोज ग्रोथ कर गई हैं, ये हरगिज़ नहीं होता। बड़े लाने अपने टॉपिक जो तो यार मंजूर हुसैन किल्लू साहब और जड़े हैं ना उन्हें जड़ा मकाम बनाए वो कोई नहीं बना सकता, तो वो सिर्फ एक एक्टर नन, तुसा इन्हें इलाके मनो इन्हें गाँव मनो उत्थे तो लोगों को रिव्यू गिनो। एक यूट्यूबर कल उन्होंने जनाजे तो रिव्यू गिनता खड़ा जाए तो मैं वो यूट्यूबर को यो कोई आखसा अल्लाह पाक धोखा दे देवे यार, तुसा जनाजा तो व्यूज के चक्कर आए वे देवे। तो यूट्यूबर तो झूठे थंबनेल बना बना के मंजूर हुसैन किल्लू या दीगर एक्टर्स के बारे उन्हें तो व्यूज़ गिरने, लेकिन यार वो व्यूज़ की कहड़े फायदा जो कहने बंदा बदनाम करके कहने उत्ते गलत वीडियो बना के गिने। तो मंजूर हुसैन किल्लू से थोड़ा जो तारफ कराव चा, मंजूर हुसैन किल्लू बखबर जराए जो मतलब कि वो करीबी है उन्होंने इलाके का, ऊँ बंदे तो मैं पूछा तो वो आखिया 2008 तो मैकू याद है भाई इतना काम करीदा रही है भाई, वो आता है हो सकते 7 भी हो गए लेकिन मेरे को 8 तो याद है भाई, ना 8 तो ही मैं देखने लगा भाई काम में चाहे इस फील्ड में चाहे, नहीं तो पहले भी शायद वो आया हो गया, लेकिन वो आता है मेरे को 8 तो याद है भाई, 8 तो बाद ही है ना 2008 तो बाद ही फील्ड में चाहे।
और कोई वो आज दा नहीं आया खड़ा, मंजूर हुसैन किल्लू कोई में किल्लू नहीं बन गया, असल तो मंजूर हुसैन है, लेकिन मंजूर किल्लू जरा बने उनके पीछे उसकी मेहनत है। और वह दार है, यकीन करो यार, ऊँ बंदे दे जितनी तारीफ करो ना उतनी कम है, जितनी तारीफ करो ऊँ बंदे ने हमेशा कोई भी अगर थिएटर की थी है, कोई भी मतलब कि उन्हें कोई स्टेज शो की थे, कोई मतलब कि उन्हें कोई शादी अटेंड की थी, कोई भी दीगर उसने फंक्शन किए थे ना, उनने एक रूल्स बनाए हुए, अगर मतलब कि शो करीदे पेन ना वो डायलॉग्स जड़े भी लेंदे खड़े उसे ना वो एक दायरे के अंदर उसे मतलब के बेहया या इस तरह की ना उन्हें डायलॉग बाजी भी नहीं की थी। तो आजकल दे नवे एक्टरों को ये चीज़ें सीखनी चाहिए थी कि एक्टर किमें बनना वेंदे और एक्टर कुछ स्क्रीन ते या ऑफ स्क्रीन किमें गाल करनी चाहिए। तो मंजूर हुसैन किल्लू साहब रों को जड़े एक्टर सीखे आज नंबरदार को लिख मकाम है थोड़े सामने, नंबरदार मकाम अपनी की दा मंजूर हुसैन किल्लू के शगिर्द रही है एयरपोर्ट को मकाम है वो अपनी की दा वो किल्लू साहब रों शगिर्द रहे। और जिन्हें वीडियोज़ बनाई क्योंकि वीडियो सारी लंबी थी गई है तो मैं थोड़ा कुछ समझा कें कें वीडियो बनाई और वीडियो इतने चल सन। तो अकरम निजामी साहब, वाजिद बगदादी साहब, उस तो बाद नंबरदार साहब, एयरपोर्ट साहब और दीगर एक्टर्स भी ना वीडियोज़ बनाई पैन तो वो मैं इतने चले सा तुम देख गए खुद। पर जरा ये मंजूर हुसैन किल्लू आई वो ही कई कोई दुनिया तो टूर है, यकीन करो मैं कुछ टाइम यकीन नहीं आया जिस टाइम मैं पहले ना ये कि सारे था बखर लड़के वो पोस्ट लाई पे आई तो मैं कुछ यकीन नहीं है मैं कि यार मैं नवा फेक मतलब प्रोपोगंडा करी दी है। बाद में मैं तो मैं खरमाल का दोस्त है कमरान भाई, कमरान सियाल साहब, मैंने उन्होंने कॉल की थी मैं कि यार कामी एक गाल सच है मंजूर हुसैन किल्लू साहब पर क्योंकि उन्होंने तो पता होता क्योंकि वो इसे फील्ड जिस टाइम काम करी ने फिर तो उन्होंने रबता किए उन्होंने मैं गुस्साया हाँ उन्होंने कि यह गाल सच है। तो इतना वीडियो तो एंड करी पे लेकिन तुसा इतना एंड नहीं करी ना तुसा अगली जी त्रै चार वीडियो पूरी देखनी ताकि थोड़ा वीडियो की पूरी समझ आए। तो दुआ लाजमी करे सो किल्लू साहब और कण कि अल्लाह पाक उन्हों की मफरत फरमावे और इन्होंने जड़े अहल खान है उन्होंने को सबरे जमील ता फरमावे। तो इस जड़ा सराइकी लैजेंड की है इनकी कमी करा पूरी नहीं थी सकती। तो इतना वीडियो दैन करी ने पे तो असं मिल सुन अगली वीडियो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। के हाजी मंजूर हुसैन किल्लू सारे उस्ताद मोहतरम जो कि इस दुनिया दे विच नहीं रहे, ए भाई जान काफी फोन आते पे कूड़े नंबरदार दे कूड़े के चक्कर है, मैं तो दस दस के थक गया भाई जान, जेड़े असल लोग कूड़ मार सकते हैं, अच्छे अच्छे फनकार अपनी आइडिया चाड़े, ए बिल्कुल कूड़ कह नहीं भाई जान, ए सच है हाजी साहब फोत हो गए ते 6 बजे नमाज जनाजा है, मैं वेंदा पिया जनाब तुलंबे आरफाबाद जिथे उस्ताद दा घर है जनाब, के उस्ताद वास्ते लाजमी अगर जेड़े दोस्त नहीं पहुंच सकते ते लाजमी उन्हां दी मखरत दी दुआ करे फिर के अल्लाह पाक उन्हां नू जन्नत दे विच आला तो आला मकान देवन, आमीन सुबह आमीन। आज दी एक अफसोसनाक खबर, मजाद दी दुनिया दा कौम दा ना, मजाद दी दुनिया दा बेताज बादशाह उस्ताद मंजूर किल्लू साहब ये दुनिया फानी तू कूच कर गए, अल्लाह पाक मदीने बह के पिन्हण दा सदका उन्हें तमाम सगीरा कबीरा गुनाह को माफ़ फरमावे और उन्हें तमाम अगले मंजिल आसान फरमावे और स्पेशल दिली तौर ते अरमान लगा बैठे क्योंकि एक फनकार जड़ा होंदे वो बड़ा सदी बाद एक पैदा थींदे जड़ा एक जबान को एक सकाफत को पहचान दिवावण उन्हें सदियां बीत वेंदे और वो सकाफत कल्चर का एक सफीर होंगे पूरी दुनिया के बिच। तो ये ऐसा फनकार ही गरीब घर का ही लेकिन माशाल्लाह बेताज बादशाह ही आज दे अफरा तफरी के दौर के लोगों के चेहरे से मुस्कुराहट बखेरा बहुत औखा है, अल्लाह पाक मंजूर के लोग जन्नत और फिरदौस आला मकाम। ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد هيدي كان صفا على पहले काफी पता चल गया कि मेरे साथ दुनिया ते नहीं रहे।
दुनिया छड़ के चले गए, लेकिन उसने साडे वास्ते बहुत मेहनत की। सानू कुछ नहीं सी होंदा, सानू अगे लेके आया, साडे वास्ते उन्हें मेहनत कीतियां ने, ठीक है। लेकिन अज मैं एक हाथ जोड़ के तुहाडे अगे रिक्वेस्ट कर रहा हां कि जिन्हें मेरे फैन हो और जिन्हें मेरे उस्ताद मोहतरम मार मंजूर हुसैन किरलू साहब के फैन हो, अज तुसीं उहदे वास्ते उन्हें पूरी जिंदगी तुहानू हसाया खिडाया, किसी ने रुवाया नहीं, हसाया ही ना, लेकिन तुसीं अज उहदे वास्ते बहुत वड्डा गिफ्ट होएगा। हर बंदे ने उहदे वास्ते दुआ करनी, पूरे अहले इस्लाम की आवाम नूं मैं कह रहा कि तुसीं ऐ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा बार बार कि तुसीं जरूर नफल पढ़ के उहदे वास्ते दुआ करनी है कि अल्लाह उहनूं जन्नत अल फिरदौस जगह ता फरमाए और आला तो आला मुकाम ता फरमाए। ऐ मैं तुहाडे को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा, बहुत मेहरबानी।